गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम भावना फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर साइंस टीचर. टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1, द वर्ल्ड अराउंड अस. पेज नंबर 11. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें टिक करना है. ए पार्ट कार इज अ, जो कार है वो नेचुरल थिंग है, मैन मेड थिंग है, लिविंग थिंग्स है या ऑल ऑफ दी. सो कार इज़ अ मैन मेड थिंग. क्यों? क्योंकि ये कौन बनाता है? इंसान ही तो बनाता है ना. तो दिस इज़ अ मैन मेड थिंग. सो राइट आंसर विल बी मैन मेड थिंग. बी, लिविंग थिंग्स नीड. जो लिविंग थिंग्स होती है, सजीव वस्तुएं होती हैं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फूड, वाटर, एयर, ऑल ऑफ दिस. सो लिविंग थिंग नीड ऑल ऑफ दिस. यानी उन्हें फूड की भी ज़रूरत होती है, वाटर की भी, एयर की भी. सी, द गैस दैट वी ब्रीथ इन इज, ऐसी कौन सी गैस है जो हम ब्रीथ करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ऑक्सीजन. आप सभी को पता है हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं. डी, अ डॉग गिव्स बर्थ टू, पपी, चिक, किटन, नन ऑफ दीज. सो डॉग जो है वो बर्थ करता है एक पपी को. फिलिंग द ब्लैंक्स. ए पार्ट, थिंग्स विच आर गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड डैश थिंग्स. वो चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं, इट मीन्स नेचुरल थिंग्स कहते हैं. NATURAL, नेचुरल. बी, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ, फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल्स की हेल्प से. सी, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन, जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड. डी, स्टोन इज अ डैश थिंग. स्टोन जो है वो कौन सी थिंग है? वो नेचुरल भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट, अ कार इज़ अ लिविंग थिंग बिकॉज इट कैन मूव. कार जो है वो लिविंग थिंग है क्योंकि वो मूव कर सकती है. नो, कार इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. सो आंसर इज फॉल्स. बी, अ हैन गिव्स बर्थ टू किटन. जो हैन होती है वो किटन को बर्थ करती है. फॉल्स. सी, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड. क्या जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो सारी मैन मेड होती है? नो, फॉल्स. डी, ऑल लिविंग थिंग्स डाई. क्या जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद डाई हो जाती है, मर जाती है? येस, ट्रू. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम टू लिविंग थिंग्स. कोई भी दो सजीव वस्तुओं के नाम बताने. दैट कैन बी ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनीथिंग. बी, नेम टू नॉन लिविंग थिंग्स. कार, टेबल, बस, चेयर, हाउस. सी, नेम टू एनिमल्स विच ले एग्स इन वाटर. कोई भी दो एनिमल्स के नाम बताने जो पानी के अंदर अपने एग्स देते हैं. फिश एंड फ्रॉग. डी, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. किसी भी चीज़ को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है? बिकॉज लिविंग थिंग्स डाई. जो लिविंग थिंग्स होती है वो मर जाती है. सो वी कैन, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम पता लगा सकते हैं. सेकेंड, लिविंग थिंग्स फील. जितने भी लिविंग थिंग्स होती है वो फील करती है, महसूस करती हैं. तो आज के लिए इतना ही. इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको एक बार कल रिवाइज करवाऊंगी. तो आज जितना रिवीजन करवाया है आप इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे और आपकी कल चैप्टर 1 एंड 2 की एक्सरसाइज वर्क का टेस्ट होगा. सो बी रेडी फॉर टेस्ट. ओके, थैंक यू.